कैमरामैन रजमान मैं हूं आपका कैमरामैन रजत कुमार और हमारे साथ कैमरा स्टार कैमरामैन नहीं दिखाया था। हां जी पिछले एपिसोड में आपने कैमरामैन नहीं दिखाया। आज हमारी पूरी पलटन आई है यहां पे पार्क में लड़की का वो बात अलग है। इसको ट्रेनिंग मैं देता हूं। तो भाई यहां पर आकर मॉल चौल दिखा देते हैं सब। एक लेडी बहुत आगे उड़क रही है फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक फुहारा चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी। यहाँ मीठी मीठी लहर के साथ वो फुहारा चल रहा है उधर। तो भाई साहब हाँ किधर खींच रहा फोटो है। तो भाई साहब देखिए लड़की जा रही है आगे। तो लड़की अभी फुहारे के साथ फोटो खींचेगी। हाँ जी आंटी सॉरी एक्सक्यूज मी। तो हम यहाँ पीछे बहुत ही अच्छा फुहारा चल रहा है इनके साथ, अब हम इनका फोटो खींचेंगे। चलो रेडी हो जाओ। चलो अभी बंद करते हैं इनका, थोड़ा फोटो लेते हैं मस्त मस्त दो तीन। तो भाई साहब फुहारे के साथ इन लड़कियों का फोटो नहीं आया। तो भाई फुहारा दिखा देते हैं, उड़ रहा है बहुत ही मस्त तरीके से ऊपर तक। ये यहाँ पर कुछ आई है महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिन है वहां पर। तो लड़की हमारे साथ लड़ रही है। आइयो एक्सक्यूज मी कहाँ खींचना फोटो, देख चुकी है लड़की यहाँ पर लेट चुकी है मस्त तरीके से। हाँ जी तो यहाँ पर इनका एक बार फिर से कोशिश करते हैं इनके फोटो लेने के लिए। तो खींचेंगे इनका फोटो बहुत ही मत, आज बहुत ही गुस्से में लग रही है, लगता है किसी को आज मारने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बैठ चुकी है यहाँ पर बंदे भी आ चुके हैं पूरे फोल तैयारी में। तो रुको एक मिनट खींचता हूँ। तो गाइस देखिए ऐसे ही हम इनका फोटो लिएंगे बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है लड़की ने मुझको बुक कर लिया अपनी शादी में, जब इसकी शादी होगी तो क्या करना है। तो जे मुझको कैमरा मैन रखेगी पूरे तरीके से पीछे एकदम पूरा सा पीछे फुहारा देख दो अगर किसी को लग रहा है तो। हाँ जी पूरी पुल तैयारी में एक और आदमी हमारे साथ जुड़ चुका है, तीन आदमी और आ गई है पूरी पलटन। एक बार दिखा देता हूँ बहुत ही मस्त तरीके से फुहारा वहां पर उड़ रहा है। तो भाई साहब वो देखो वो भागी लड़कियां दो। हाँ जी भाई साहब तो इनका भी फूलों के साथ बहुत मस्त से फोटो खींचेंगे। वो दो लड़कियां देखो भागी देख के, ये देखो वो भागी। तो हाँ जी चलो फोटो खींचते हैं अभी इनका। तो दोनों की लड़ाई लग चुकी है, बोलता है इसमें बीच बढ़ के फोटो खींचना है इधर। तो इनके फूलों के बीच जाके इनके दोनों का पूरा फोटो खींचेंगे मस्त सा। रुको भाई साहब बस दो मिनट और ऐसा मस्त फोटो खींच लिया। अब जाते हैं घर को, यहाँ पर जा रहा है रास्ता हमारे घर को भाई। तो हाँ जी एक बार फिर से और फोटो खिंचाने के लिए आगे पूरी पलटन खड़ी हो गई है, बोलती है एक बार फिर से फोटो खिंचाएंगे भाई। ऊपर एक पता नहीं क्या जंगल झाड़ सा आ चुका है, अब इनका फोटो खींचेंगे। तो मतलब तुम वहां तक पहुंचो, बैग चुको मैं अभी आता हूँ। चल पहुंच जुस्त कराया मैं। तो फिर से एक लड़कियां दौड़ गई हैं, बोले फोटो खींचना। मुझे समझ नहीं आता फोटो खींचना क्या है इनका। शक्ल तो देखिए जैसे मुंह पे पता नहीं क्या अकाउंट में दिए बहुत ही हरियाली है शामी टाइम में यहाँ पे। अब दौड़ जाओ थूंगा है की है इट। देखो टॉयलेट है एक फोटो, अब टॉयलेट में फोटो खींचेंगे मतलब। हाँ जी खींचेंगे बस वेट करिए भाई। मैं पागल हो चुका हूँ, एक घंटा हुआ है मैं आपको, अब मैं आपको आ कर फोटो पे फोटो खींचे जा रहे हैं। हाँ जी और हम दुखी हो गए। तो भागो यहाँ से घर को, जाता है ना रास्ता वो, भाग जाओ यहाँ से भाई, चलें घर को। एक्सक्यूज मी भाई चलें चलते हैं। अंकुर चलिए करें मैं चले ओए जाना फोटो खींचना टाइम हो रहा हूँ लेट है मैं जाऊंगा घर को बहुत ही तेज तरीके से मतलब। मैं अभी अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगाऊंगा उस पर घर जाकर चले जाऊंगा मतलब। मैं टाइम है नहीं चेर हो गया। नहीं भाई दो आदमी अभी आगे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से उठाते हैं बैग जाते हैं घर को। ये यहाँ पर मूर्ति बनाई है इसी की, जे पर मूर्ति बनी है इसके दादाजी की। बैग कहाँ भी गया। अच्छा तेरा बैग हाँ। तो भाई साहब निकलते हैं पार्क से बाहर।
हाँ जी क्या बोल रहे हो? बहुत ही मस्त सी धूप पड़ रही है सामने को। हमारा ब्लॉग है तो भाई साहब